ये तस्वीरें 2 जून 2016 के उस कांड की याद दिलाती हैं, जिसने प्रदेश ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। वो मार दिया वहाँ। सिपाही मार दिया अंदर। जी हाँ, ये तस्वीरें हैं जवाहर बाग कांड की, जहां उस दिन शाम को हिंसा की आग में मथुरा का जवाहर बाग जल उठा था। उस मंजर को याद करके आज भी लोग सिहर उठते हैं। हर तरफ चीख पुकार, भगदड़ और जिंदगी बचाने की जद्दोजहद दिखाई दे रही है। घुस गए। तुम मत करो यहाँ से, कोई तुम मत करो। वो मार दिया वहाँ। इस हिंसा में 2 पुलिस अधिकारी शहीद हो गए थे, तो वहीं कब्जाधारियों के शव भी जवाहर बाग से बरामद किए गए थे। 4 साल पहले हुई इस हिंसा से हरा भरा जवाहर बाग वीरान हो गया था। यहां आज भी उसके निशान मौजूद हैं। यहाँ के तत्कालीन एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और थाना अध्यक्ष संतोष यादव ने जवाहर बाग को रामवृक्ष यादव के कब्जे से मुक्त कराने के लिए अपनी जान गंवा दी थी। वहीं स्थानीय लोगों ने ऐसे वीर योद्धाओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। आज 2 जून 2021 को इस कांड के 5 साल बाद 5वीं पुण्यतिथि पर मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी श्रद्धांजलि देने के लिए जवाहर बाग पहुंची। स्वर्गीय मुकुल द्विवेदी की पत्नी अर्चना द्विवेदी ने कहा कि सीबीआई की जांच धीमी गति से चल रही है, सीबीआई जांच को तेज गति लानी चाहिए। सरकार से शहीदों के स्मारक के लिए मांग की गई थी, जो आज तक पूरी न हो सकी। आज 5वीं बरसी मनाई जा रही है, अभी यहाँ के श्रद्धांजलि दी गई। क्या मांगे जो अभी तक पूरी नहीं हुई? मांगे तो कोई पूरी नहीं हुई है। सीबीआई जांच तो कोर्ट में जाके ऑर्डर हुई, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। पता नहीं उसका, मैंने ये भी कई बार कभी तक तो हुआ नहीं। और यहाँ पे नामकरण और स्मारक बनाने का वो था, उस पर भी कोई प्रगति तो दिख नहीं रही है। छोटा सा हिस्सा नवग्रह वाटिका के लिए कुछ एक किया है, पर जो मांग थी वो तो बात में की बहुत बार हुई है। श्रीकांत शर्मा जैसे वो हमेशा आश्वासन नहीं करेंगे, वो करेंगे। अभी फाइल मुख्यमंत्री के पास है, ये वो अभी तक वहाँ से नहीं हुआ, यही सुनने में आ रहा है। बस मुझे लास्ट चांस भी मैं आने वाली थी, पर वो भी कोरोना के पैंडमिक के चलते, लॉकडाउन के चलते नहीं यहाँ पाई। उसके बाद भी बस मुझे टाके आए हैं, देखते हैं अभी कितना इंतज़ार और करना पड़ेगा। और मैंने तो सोचा अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, तो जो स्थल जो जहाँ पे शहादत स्थल है, वहाँ का छोटा सा हिस्सा मुझे ही दे दिया जाए। मैं वहाँ कुछ पत्थर एक छोटे से हिस्से में कुछ स्मारक जैसा बना लूँगी, और उसका उसी के लिए मैं आज लेटर भी देने के लिए लाई हूँ डीएम और एसएसपी को। डीएम और एसएसपी सर से मुलाकात होती है उनको, बस यही छोटा सा यहाँ के सोते हुए लोगों को जगाने के लिए थोड़ा सा वो किया है। लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा सीबीआई की जांच में। हम लोग कितनी बार जा करके वहाँ के डीआईजी और लोगों से मिले, और लास्ट टाइम हम 2 साल 1.5 साल पहले मिले थे, तो वहाँ पे डीआईजी ने बोला था कि 3 महीने के अंदर में हम सब कुछ करके दे देंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर भी कोई भी पुरस्कार, मतलब ऐसा एक लोकतांत्रिक देश में कैसे हो सकता है कि आपका आपके सरकार गवर्नमेंट के ऑर्डर्स का के रक्षा के लिए एक पार्क खाली कराने के लिए एक आपके इतने बड़े अधिकारी की मृत्यु हुई है, और उसको अभी तक आपने कोई पुरस्कार के लिए नहीं किया, क्योंकि आपके एक अंतरिम कमेटी है या
या आपका एक इंटरिम सिस्टम है जो पहले ये डिसाइड करेगा कि किसकी गलती थी, और ऐसे में तो फिर व्यवस्था पर शर्म ही आ सकती है। हमें बहुत ही दुख हो रहा है कि 5 साल बाद भी हम वहीं पे खड़े हैं जहां पर हम थे, जहां पर हम 5 साल पहले थे। अब क्या मांग करते हैं आप? नहीं, हमारी मांग क्या है, व्यवस्था को खुद अपने आप का आत्मविश्लेषण करना चाहिए। हम क्या मांग करेंगे, व्यवस्था को खुद देखना चाहिए। अगर कोई व्यवस्था, कोई पुलिस का एक सबसे बड़ा अधिकारी मारा जाता है काम करते हुए, और पुलिस कुछ नहीं कर रही, व्यवस्था कुछ नहीं कर रही है, तो व्यवस्था कितने दिन चलेगी? तो इनको खुद करना चाहिए। हम तो मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, श्रीकांत जी शर्मा जी से लगातार बात होती रहती है, लेकिन बात तो कहीं नहीं बढ़ रही है। मूर्ति की बात थी, गेट की बात थी, मूर्ति किसी भी चीज की, मूर्ति की बात थी, गेट की बात थी, सीआईडी सीबीआई जांच की बात थी, कोई भी बात कहीं भी आगे नहीं बढ़ रही है। इसके पीछे क्या कारण है, अब ये तो सरकार ही बता सकती है या उसके पीछे बैठे हुए लोग बता सकते हैं।